व्हाट्स अप गाइस, द स्पेक्टर है और आज मैं आपको बताऊंगा रॉड द आइसक्रीमर की स्टोरी। ये एक हॉरर स्टोरी है, ये एक हॉरर गेम पे बेस्ड है और ये हॉरर गेम सेम डेवलपर ने बनाई है जिसने इविल नन और मिस्टर मीट बनाई है। तो आपको ये स्टोरी सुनने में बहुत ही मजा आएगा। तो गाइस लेट्स बिगिन। सो गाइज, ये स्टोरी एक रॉड नाम के बंदे की है जो अपनी लिविंग के लिए आइसक्रीम बेचता है। वो बच्चों के लिए बहुत ही डिलीशियस आइसक्रीम बनाता है और सभी बच्चों को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा बिकती है, बट इसके पीछे भी उसका एक इविल इंटेंशन होता है। वो ओबीज मतलब मोटे बच्चों को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किडनैप करना चाहता है ताकि वो अपनी आइसक्रीम के लिए एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट बना सके। वो अपनी डायरी में सारे इंसिडेंट्स एंड हैपनिंग्स डेट वाइज नोट करता है। उसकी डायरी हमें पार्किंग लॉट में उसकी स्टोरेज में मिलती है। पहले वो एक आइसक्रीम मेकिंग मशीन बनाता है। उसे वो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है और नोट्स भी उसको कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते। एंड में वो सक्सेसफुली मशीन बना लेता है। अब ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करके वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट अपनी आइसक्रीम के लिए बनाना चाहता है और उसी के लिए उसने वो मशीन बनाई। एंड कहता है कि मोटे यानी ओबीज बच्चे परफेक्ट होंगे उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके अकॉर्डिंग ओबीज बच्चों के पास मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि उनकी स्किन बहुत मोटी होती है। वो इसे एकदम सूटेबल बताता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ताकि वो गुड अमाउंट ऑफ सीक्रेट इन्ग्रीडियंट बना सके। फाइनली फिर उसे वो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट मिल जाता है एंड वो नोटिस करता है कि उसके सीक्रेट इन्ग्रीडियंट ऐड करने के बाद जो भी बच्चा उसकी आइसक्रीम खाता है वो विद इन अ वीक मोटा हो जाता है। तो अब उसे ये समझ आ जाता है कि अगर वो राइट अमाउंट मतलब कि सही मात्रा में अगर वो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट आइसक्रीम में डाले तो दूसरी बार आइसक्रीम खाने वाले बच्चे ज़रूर मर जाएंगे और यही वो चाहता है। अडल्ट को मारने के लिए उसे ज़्यादा अमाउंट में वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना होगा। अब वो खुश हो जाता है और सेलिब्रेट करने के लिए कॉमिक्स खरीदने चला जाता है। उसे कॉमिक्स एंड मूवीज़ का बहुत शौक है बचपन से ही, जैसा कि उसकी डायरी में लिखा है। अब वो दिन आ जाता है, रॉड के पास जहरीली आइसक्रीम है और वो डैनियल जेन नाम के आदमी को आइसक्रीम देकर मारना चाहता है। उसने कभी भी अपनी डायरी में ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो सच में डैनियल जे को मार देता है, बट एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका मिसिंग पोस्टर हमें गेम में देखने को मिलता है, शायद वो ही डैनियल जे है जिसे रॉड ने मार दिया ताकि वो पार्किंग में अपनी स्टोरेज बना सके, क्योंकि गार्ड शायद उसे अलाउ नहीं कर रहा था ऐसा करने से। और स्टोरेज में रॉड के केज की हमें मिल जाती है। तो अब वो अपनी दहशत फैलाना चाहता है और स्ट्रीट में रह रहे सभी लोगों को मारना चाहता है। वो एक कैफेटेरिया में भी आइसक्रीम सप्लाई करता है और यही वो सभी को ये आइसक्रीम खिला के मारना चाहता है। अब उसका ऐसा करने के दो कारण होते हैं। पहला तो वो अपने फादर का बदला लेना चाहता है। जैसा कि उसकी डायरी में लिखा है कि रॉड के फादर की एक स्पेशल आइसक्रीम रेसिपी थी जिस कारण वो बहुत ही फेमस थे। तो हो सकता है वो भी पहले आइसक्रीम सेलर थे और किसी कारण उनके फादर को मार दिया था, शायद वही सीक्रेट इन्ग्रीडियंट के कारण, क्योंकि हो सकता है वो डेंजरस हो, और उनके ही नोट्स के थ्रू रॉड रेसिपी बना लेता है। दूसरा, रॉड को बच्चों से बहुत ही ज़्यादा नफरत है, खासकर मोटे। वो उन्हें डिस्कस्टिंग कहता है। उसे बचपन में उसके क्लासमेट्स ने बहुत तंग किया था जिस कारण उसे बच्चों से बहुत ज़्यादा नफरत है। अब वो सभी स्ट्रीट के लोगों को मार के अपने फादर का बदला लेना चाहता है जिस कारण वो ये स्पेशल पॉइजनस आइसक्रीम बनाता है। वो अपने आप को एवेंजर कहता है। तो जैसे ही गेम स्टार्ट होती है हम एक बच्चे को कंट्रोल कर रहे होते हैं और हमारे सामने रॉड एक मोटे बच्चे को फ्रीज करके छोटे से केज में डाल देता है और हमें उसे बचाना होता है। धीरे धीरे सब कलेक्ट करके पजल सॉल्व करके हम रॉड के स्टोरेज रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां हमें केज की मिल जाती है जिसे हम बच्चे को बचा लेते हैं और वो नेबरहुड में वापस लौट जाता है और वहां से ही रॉड अपनी वैन लेकर चले जाता है। अब वो बाकी बच्चों को उठाने जाता है या गिवअप दे देता है यह हमें नहीं पता, क्योंकि गेम इधर ही एंड हो जाती है और टू बी कंटिन्यूड का साइन आ जाता है। बाकी अगर हम बच्चे को बचाने में अनसक्सेसफुल हो जाएं, मतलब कि हम बच्चे को ना बचा पाएं, तो वो हमें और उस बच्चे को लेकर अपने घर ले जाता है और वहाँ हम दोनों को फ्रीज कर देता है और वहीं से हम दोनों से सीक्रेट इन्ग्रीडियंट बना के अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है। तो गाइज, इस गेम में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है उस बच्चे को बचाना ताकि वो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट ना बन सके रॉड की डेंजरस आइसक्रीम के लिए।
तो गाइस ये थी रॉड द आइसक्रीमर की स्टोरी। कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं कि इसके आगे क्या होगा, क्योंकि डेवलपर्स ने तो टू बी कंटिन्यूड का थप्पा लगा के इधर ही गेम ख़त्म कर दिया है। तो आप ज़रूर बताएं कि आगे क्या होगा। और गाइस अगर आपको किसी और गेमिंग कैरेक्टर पे भी स्टोरी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, आप उसको मिस नहीं करना चाहते। तो ठीक है गाइस, मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।